गो। पापा मम्मी बहुत थक जाते तो वो सो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करके आते हैं। और खूबसूरत होटल है। नहीं मम्मी उठ जाओ यार। नहीं ना पकड़ने की जरूरत नहीं, मुझे स्विमिंग करती। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं हरिद्वार। हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि लड़की की शादी करने के बाद, जब सब बच्चों की शादी हो जाती है, तो पेरेंट्स घर वाले भी जाते हैं, मम्मी या माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशल होता है कि वो गंगा जी नहा के आते हैं। तो जो भी कस्टम होता है हम लोगों के यहाँ, वही करने हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टर गई है हनीमून पे मालदीव, तो हम लोग थे घर पे, हमने सोचा हरिद्वार होके आते हैं। क्या फिश है वहाँ पे? हाँ तो जा रही हूँ मैं। और आप कौन हो, आपका नाम? ये है मीरा चौधरी। आपका नाम? आपका नाम? और ये है रुद्रा की नानी, पीछे रुद्रा की मौसी डुक्कू, और ये रुद्रा की मम्मी बिल्कुल बेहोश होने की स्थिति में है रेवू के साथ, और रुद्रा के नानू सोने में व्यस्त है एज यूजुअल गाड़ी में बैठते ही। और अभी हम लोग हैं मेरठ हाईवे पे। 9 बजे हम लोगों को जल्दी निकलना था अर्ली मॉर्निंग या नाइट में, बट हम लोगों को हो गया लेट, तो लेट हो गया, हम लोगों को नाइट में स्टे करना है, तो अभी चलते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। सही जगह है, यहाँ इस पे रख के खाना खा लेंगे। क्या हुआ, ये इतनी गंदी कैसे कर दी? रुक जा, ले। इसमें इसमें क्या है, सब्जी? पकड़ लो। अभी हम घर से बना के लाए आलू की सब्जी और पूरी और चाय, इतना मजा है ना उसको बाहर बैठ के खाने में, है नहीं? अब टेस्टी लगता है ये बहुत ज़्यादा। क्या नानी से कब चाय लेके आऊँगी? चाय बनाई है हम, यहाँ खाना खा रहे थे रुके, जो छोटा मोटा स्टॉल लगा लेते हैं ना वो थे, और ये जो पीछे खड़े हैं ना ये इनकी जगह थी, आ गए बेचारे, इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग, बस निकल ही रहे हैं यहाँ से फटाफट, चलो जल्दी देखो। हम लोग रुके हैं पतंजलि थोड़ी देर के लिए, यहाँ से पापा को खड़ाऊ लेनी है, जो लकड़ी की पैरों में पहनने वाली खड़ाऊ आती है वो लेनी है, वो लेंगे, और किसी को वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो जाएंगे, मुझे जाना है, और फटाफट फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग ऋषिकेश के लिए। आओ जल्दी उसमें जाओ पापा, वो लिखा हुआ है ना वहाँ दाना पानी, यहाँ साइड से जाओ उसी। हाँ हम तो इधर जा रहे, इसमें है ना, इसके अंदर है चप्पल, आ जा डुगो, हमें तो इधर चलेंगे वॉशरूम। पता नहीं नानू बेटा कहाँ घूम रहे, ले ली क्या इन्होंने खड़ा, ये मिले यहाँ पे, यहाँ मिले खड़ा हो तो चले गए ना वे। जब तक हम दोनों वॉशरूम से आए, मुझे लग रहा है दोनों नानू बेटा देख के चले गए खड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाली थी, यहाँ पे जो चप्पली ब्लड प्रेशर वाली आती है घर में पहनने की, खड़ा हो तो नहीं दिखी। चलो पापा नहीं आए, वे तो हमें दिखे नहीं जहाँ पे खड़ा हूँ, ले मुझे तो लगा आगे वो देख के थी नहीं वहाँ खड़ा हूँ। क्या चलो चल रहे हैं जल्दी, बंद है क्या गाड़ी, चलो बैठो। भाई साहब कितनी गर्मी है, इसी बढ़ाओ थोड़ा।
अभी हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है। बहुत खूबसूरत होटल है। सारे होटल का मैं आपको एक टूर कराऊंगी, आप देखना कितना ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत होटल है, बहुत ज़्यादा। बट उसका होटल का मतलब, होटल का टूर कराने से पहले हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि शाम को फिर पापा मम्मी को ठंड लगेगी। अभी 4 बज गए हैं, तो फटाफट से हम लोग स्नान करके आते हैं, मतलब गंगा जी में स्नान करके आते हैं। मम्मी रुको रुको रुको, आओ मेरा हाथ पकड़ो, आओ इधर से। कौन कौन आएगा? मीरा, गंगा जी में स्नान करोगे? नहीं, मेरे घर पर मम्मी ऐसे 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 डुबकी लगवा देंगी मम्मी। हाँ? डुबकी लगाओगे बस? पांच डुबकी लगानी, पांच पांच डुबकी। पानी डाल दीदी, इसको कंकाल बड़ी है। रुको, हम तो ही ना आऊंगे। पप्पू कौन जाना है? अरे वो पत्थर है वहां भी। ना तो यहां पहले इसको पकड़ नहीं डालना। डाल, अरे नहीं डालोगे जल्दी। बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे स्विमिंग आती है, हर चीज में करेगा मुझे। फिर डर क्यों रहा है इतना? स्विमिंग आती है, है रुद्र? एक हाथ पकड़ा था तेरा। चलो बस निकल, जल्दी जल्दी जी, लगता डूबगी। या कितना ठंडा पानी, कितना ठंडा। हाँ ठंडा है बाबा, पैर पे लग रहा, बहुत ठंडा है। 1 2 3 गो। वाओ, फिर से एक टेक और, एक टेक और। 1 2 3 गो। गिर गई, गिर गई, गिर गई। मीरू ने स्नान कर लिया, कैसा लगा? मजा आया? कितना मजा आया? मीरू स्नान करके अपना बात रोक पहन के रेडी रेडी। और सब लोगों का स्नान हो गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा पर पानी बहुत ठंडा है, सर में दर्द हो गया। सुबह ही शैम्पू करके आई थी, बाल केराटिन कराई थी, और दोबारा से बिल्कुल सर डुबा डुबा के स्नान करवाया, और बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। बट अभी शैम्पू भी नहीं लेके आए, कुछ नहीं कर सकते। अब फटाफट से निकलते हैं होटल के लिए एक बार। मम्मी अभी तो नहीं नहाएंगे ना हम, जाके गंगा जी में स्नान करके नहीं नहाते ना, फिर कल ही नहाएंगे या रात में, अभी नहीं नहाएंगे ना। हाँ तो अभी जाके हम ऐसे अपने कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, और फिर देखते हैं कि शाम को अभी लक्ष्मण झूला जाएंगे या क्या करेंगे। हाँ पैर तो धो सकते हैं, बट गंगा जी में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद नहीं करेंगे कुछ। चलो अभी हम लोग गंगा स्नान करके आए थे, आने के बाद नहाते तो नहीं है दोबारा, और बस मैंने हल्का सा मेकअप किया, आउटफिट चेंज किया, और अब आपको मैं होटल दिखाती हूँ जो हमने होटल किया है। बहुत अच्छा होटल है, तो मैं रिवर्स कैमरा करके आपको होटल का सारा व्यू दिखाती हूँ। का मैंने आपको दिखाया एक छोटा सा टूर। अभी हम ऊपर जाएंगे जो इसका डाइनिंग एरिया है चाय वाय पीने के लिए, फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सुंदर है। चार्ज थोड़े से इसके ज़्यादा हैं, हम लोगों को एक रूम पड़ा है अराउंड 7000 समथिंग में। एक मिनट डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ, टेका रिवर्स कैमरा कर लेती हूँ। ये है एरिया जहाँ पे आप बैठ के सुबह सुबह
बिल्कुल फ्रेश एयर के साथ, इतने अच्छे व्यू के साथ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, ये बोट टाइप बनाया हुआ है, ये सीटिंग ये टेबल, और इस टाइप से कितना खूबसूरत व्यू है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला होटल, ये इस टाइप से है रे वो। और इसका आप देखो, इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक सा है, ये आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं इंस्टा के लिए लूँगी कुछ अच्छे अच्छे से फोटोग्राफ, क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बड़े ही खूबसूरत। अभी नीचे एक दो फ़ोटो लिया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहे हैं, तो फोटो लेते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर शाम को देखेंगे कहीं जाएंगे। गंगा आरती के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि पापा मम्मी थक गए हैं, उनका मन नहीं है, और पापा मम्मी को छोड़ के जाने का हम लोगों का मन नहीं है, इसलिए मे बी कि हम लोग गंगा आरती के लिए नहीं जाएंगे। अब भी क्या टाइम हमारा डुगू, छः बज गए। गंगा आरती वैसे 7 बजे से 6:30 या 7 के आसपास गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है, तो फिर देखेंगे नाइट में अगर हमें लक्ष्मण झूला राम झूला उस साइड में जाना हुआ तो वहाँ जाएंगे। अभी तो यहाँ पे फोटो लेते हैं और फिर चाय पीते हैं और इस व्यू के साथ अपनी चाय को इंजॉय करते हैं। फोटो सेशन करने के बाद हम सब लोग बैठे हैं यहाँ टाइल्स पे, तो टाइल्स बैठे हैं सब लोग, पापा मम्मी कर रहे हैं रेस्ट। चीनू पापा मम्मी थक गए थे, पापा मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, पापा मम्मी उठेंगे तो हम लोग जाएंगे डिनर करने लक्ष्मण झूला, जो भी मार्केट वार्केट जाना होगा गंगा आरती को देखने लिए हम लोग, और चाय वाय पियेंगे। हम लोग आए हैं मार्केट में, पापा मम्मी सो रहे थे क्योंकि पापा मम्मी बहुत ज्यादा थक जाते हैं गाड़ी से, जब भी गाड़ी से करें या फ्लाइट से करें ट्रेन से करें, पापा मम्मी बहुत थक जाते, तो वो सो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करके आते हैं। ये पोज क्या दे रही है तुम, यहाँ मैं तेरा फोटो थोड़ी ले मैं ना जानबूझ के ले रही हूं। तो अभी हम लोग अमर बर्गर तोड़ेगी क्या मेरा हेडफोन, अमर बर्गर से पहले हम लोगों ने एक बर्गर बनवाया वेज बर्गर, 20 रुपीज का है, तो अगर अच्छा लगा तो एक एक बर्गर खाएंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, राम झूला उसके बाद जाएंगे हम लोग लक्ष्मण झूला, और थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे अगर फेयर सही हुआ। हम लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं निकाली क्योंकि आगे ना राम झूला के पास ना पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग नहीं होती, 100 रुपीज लेते हैं पार्किंग के, सोचा हम लोग यहाँ से वो करेंगे ऑटो ई रिक्शा जो चलते हैं, वो आई थिंक 20 रुपीज लेते हैं पर पर्सन एक साइड का, तो वो करते हैं बर्गर खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या। सब आप टेस्ट करके बताओ कि कैसा है, अगर अच्छा लगेगा तो और भी खाएंगे। चलो आप बताओ, माँ को दो, वो करके बताएगी। ए नीटू और रेवान कहाँ हैं, रिव्यू कैसा है, एक दो और बनवाऊं? ओके एक डुगू का रुद्दू खा के बता तेरा बनवाऊं क्या, पहले टेस्ट कर लो फिर खा के बताओ कि कैसा है, सही है। दो तीन बनवा लूँ और है भैया तीन बर्गर और बना दीजिए, है भैया टिशू दे देना तेरा, ये ले लूँ बर्गर खाएगी क्या तू भी क्या, नहीं मैं बनवाए दो तीन और बनवाए, इनसे टेस्ट कराया था मैंने, आज जल जाएगा आज जल्दी हो जाएगा, किसने कहा कि टेस्ट अच्छा है, 20 रुपीज ओनली, मात्र 20 रुपया, सही है ना, लेटस तो है नहीं, मैं पूछ रही थी, मैंने कहा लेटस लगाओगे क्या, वो तो इनको समझ नहीं आया, ये पत्ता गोभी लेटस है, तो फिर भी ठीक है ना, चलो ठीक है। ये है यहाँ पे अमर बर्गर, ये जस्ट हम गली से बाहर आए, वहाँ से होटल की गली है, मेन रोड पे ही खड़े हैं, अच्छा है 20 रुपीज में, सब लोगों ने एक बाइट टेस्ट किया, डुगू ने नीटू ने और इसने चिनू ने, तो सब लोगों को अच्छा लगा, इसलिए हमने दो तीन और बनवा लिए, तीन अगर और अच्छा लगा तो एक दो और बनवा लेंगे। अभी मैं उल्टा चलते चलते वीडियो बना रही हूँ, इधर से लाइट बहुत अच्छी आ रही है, अब इधर से आ रही है। हम लोग होटल वापस जा रहे हैं एक बर्गर खा के, हम लोगों ने ये फाइनल किया कि 8:15 समथिंग हुआ है कि 8:15 हुए हैं, पापा मम्मी को उठा देते हैं, उनको डिनर करा देते हैं, डिनर कराने के बाद होटल में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ढाबा है ना ये जो गली है सामने मेन रोड है, ये सामने होटल है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो पापा मम्मी
आराम बता रही हूँ, खा के आराम करेंगे और तब तक हम अपनी गाड़ी निकाल के लक्ष्मण झूला पे घुमाएंगे, क्योंकि तब तक पार्किंग का इतना इशू नहीं रहता, आराम से पार्किंग मिल जाती है। खाना खाते हैं, नानू नानी को उठा के लेके आ, गो लॉक नहीं कर दिया मोटे मोटे, तुझसे गेट खुल नहीं रहा है। नानू नानी को उठा, बोलो कि पहले डिनर करते हैं उसके बाद जाएंगे हम कहीं घूमने, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। रुदु, ए रुदु अंदर गंदा मत करना, नानू ने लॉक कर दिया। पापा वो तो लगवा दूंगी, चप्पल आपके यहाँ थी नहीं। मम्मी उठ जाओ, यहाँ के ठंडा हो जाएगा खाना, आप खा नहीं पाओगे। रोटी ऐसी हो ये नहीं पूछा चीनू, तवा रोटी थी या तंदूरी रोटी, ये नहीं पूछा हमने, तवा रोटी थी या तंदूरी रोटी। और आगे तक सही लग रहा मुझे तो, इस रोड पे है मतलब। मम्मी यहाँ ठंडा खाना आप नहीं खा पाओ, वे रोटी नहीं आपसे चबने वाली, ये मैंने सुखा दे थे, गीले कर दे। चलो गाड़ी में लेके चल रही है, गाड़ी में आपको छोड़ देंगे आप। कब से सो रही है? देखिए पापा का बैग कहाँ है, पापा आपका बैग कहाँ है? ये हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा आगे आए हम, गाड़ी निकाली थी तो आ गए, जाम वाम नहीं था, एक ढाबे पे खाना खाने। हाँ निकल, बंद कर। सारा दो भाई, यहाँ गर्मी बहुत है हर जगह। हम खाना खा के आ गए, पापा मम्मी लेट गए दवाई खा के सोने के लिए, और नीटू भी वहीं रुक गई बच्चों के साथ, और मैं चीनू और डुग्गू हम लोग आए हैं वॉक करने। बाहर का जब भी खाना खाती हूँ ना मैं, खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि कितना ब्लोटिंग हो गई, तो आज मतलब खाना जो खाया ना मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली लगा, तो ब्लोटिंग से हो गई, इसलिए मैंने कहा यार थोड़ी देर वॉक करके आते हैं। वैसे हम लोगों को जल्दी सोना था कि हम लोग जल्दी उठेंगे, और अभी 10 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा वॉक करेंगे उसके बाद सो जाएंगे, और इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे कल। देन बाय, गुड नाइट।